हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। तो आज मैं दोस्तों आपको ऐसे एस्पिरेंट से मिलाने वाला हूं जिन्होंने दोस्तों फर्श से लेके अर्श तक का सफर पूरा किया हुआ है। इन्होंने दोस्तों अपनी कड़ी मेहनत से न जाने कितने एग्जाम्स क्रैक किए हैं। मैं अगर बात करता हूँ एग्जाम्स की लाइन की, तो इन्होंने SSC MTS, SSC CHSL और SSC CGL भी क्रैक किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपके बीच में मैं स्वागत करता हूं सचिन यादव जी का। सचिन यादव जी, आपका स्वागत है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले सचिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो है बड़ी कड़ी मेहनत की है और अपना सिलेक्शन लिया है, और आज आप जो है एक इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, GST एक्सपेंट इंस्पेक्टर के रूप में। तो मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको प्रिपरेशन करनी है, वो भी SSC CGL की। सर, जब कोरोना टाइम था, मैंने एक्चुअली बीटेक की हुई है और मेरी फाइनल ईयर 2020 में हुई थी, जब पीक कोरोना टाइम था। कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मेरा फाइनल सेमेस्टर था और उस टाइम कोरोना स्टार्ट हुआ था। इस वजह से प्लेसमेंट वगैरह भी नहीं हुआ कहीं, तो वहाँ ऑनलाइन फिर मैं ऑनलाइन गया काफी बार। यूट्यूब वगैरह पे मैंने सर्च किया क्या करना चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का भी हायरिंग नहीं कर रही थी उस टाइम पर, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। तो 2021-22 तो सबसे पहले मैंने UPSI की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं CGL के बारे में नहीं जानता था उस टाइम तक, क्योंकि मैं बीटेक का स्टूडेंट था और मेरा ऐसा कभी था नहीं कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा। तो 2021 में सर UPSI की वैकेंसीज निकली थी, तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसकी। तो उसमें होते होते फाइनल मैंने 2021 CGL दिया था उस टाइम। 2022 CGL, 2022 में उसका एग्जाम था मेन्स, 29 जनवरी मेरे को जहाँ तक याद है। तो वो मैंने स्किप किया था क्योंकि मुझे लगा था UPSI शायद ज़्यादा प्रेफरेबल पोस्ट होगी, और सब कुछ हो चुका था मेरा, उसका रनिंग वगैरह भी कर रहा था मैं तो। लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली 0.5 मार्क्स से रह गया मैं, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 2022 में जब मुझे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस टाइम था कि 36,000 वैकेंसीज आने वाली है 2022 CGL में। सर उस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी CGL की। तो उसके बाद मैंने जाना CGL के बारे में, उसकी पोस्ट के बारे में, तब मुझे लगा कि हाँ सच में काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं CGL में जिसके लिए तैयारी की जा सकती है। उसके बाद मैंने अपनी CGL की जर्नी स्टार्ट की जून 2022 में, जून 2022 के बाद। आपकी सक्सेस के पीछे आप ये श्रेय किसको देना चाहेंगे जिसने आपको इग्नाइट किया और आपको जो है उसके लिए प्रेरित किया? ये तो पूरा श्रेय मेरी फैमिली को जाता है, सबसे ज्यादा मेरे नाना को और मेरे भाई को। जो भी मतलब जितने भी घर के काम होते थे, जितने भी डोमेस्टिक काम होते हैं जो लड़कों के, वो सब मेरा भाई हैंडल करता था। तो उसने मुझ पर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आने दिया, तो उसका सबसे ज्यादा थैंकफुल रहूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं सचिन जी की, SSC CGL में बहुत सारे एस्पिरेंट बैठते हैं, हजारों एस्पिरेंट बैठते हैं, गोल उनका एक ही होता है और सिलेक्शन जो है 5% से भी कम लोगों का होता है। जी तो बिल्कुल। इस 5% में आपको कैसे भरोसा हुआ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको कहाँ से वो हिम्मत मिली कि आपने तैयारी शुरू की? टू बी ऑनेस्ट, के स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं था भरोसा, मतलब मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी। तो धीरे धीरे मैंने जब करना स्टार्ट किया और मॉक देना स्टार्ट किया टेस्ट बुक पर, और इसके बाद जब मैंने 2022 CGL दिया, उसमें अच्छी रैंक नहीं आई। तो और होम पोस्टिंग क्या मतलब साउथ मिला था पोस्टिंग, मुझे काफी बेकार रैंक आई थी उसमें। तो उसके बाद से मुझे बिलीव हुआ था कि नहीं मैं कर तो सकता हूँ, और रैंक वगैरह में भी मॉक मेरी अच्छी, मॉक्स वगैरह में रैंक अच्छी आने लगी थी, तब मुझे बिलीव हुआ कि मैं कर तो सकता हूँ। 22 में मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, तो 23 या 24 को एक एग्जाम में निकाल लूंगा अच्छी रैंक के साथ। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ CGL में कर सकता हूँ। तो एक बार अभी जैसे कि आप आपने देखा होगा, पहले पैटर्न जो था वो थोड़ा अलग था, टीयर टू पे सिर्फ इंग्लिश और जो है मैथ्स आया करती थी, और अब जो है पैटर्न एकदम अलग है। वहां पर अगर आप AO या ASO के लिए जाते हो तो स्टेटिस्टिक्स और फाइनेंस की भी देने पड़ते हैं, और अब आपको GK भी पूछी जाती है टीयर टू में, और रीजनिंग मैथ्स भी। तो आपने इस परिवर्तन को किस तरीके से अपनाया, क्योंकि पहले जो है पुराने पैटर्न पे आप पढ़ रहे होंगे, फिर अचानक से आपको नए पैटर्न पे स्विच करना रहा होगा? एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरा पुराना जो पैटर्न था ना, मैं उससे ज्यादा फैमिलियर नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और मैंने उसकी ज्यादा तैयारी भी नहीं की। 21 CGL मैंने जैसा आपको बताया, 21 CGL मैंने स्किप किया था मेंस। तो मैंने पुराने पैटर्न से मैं बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं था, और नए पैटर्न में ये सही बात लगी थी कि उसमें वन डे में डिसाइड हो जाता है,
कि आपको कोई सी रैंक मिलनी है, जॉब मिलनी है या नहीं, एक दिन में पूरा डिसाइड हो जाता है मेंस के बेसिस पर। वहां पर ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता कि डेस्क अलग से दिया, डेस्क टेस्ट अलग से दिया और फिर मेंस में रिटेन अलग से दिया, ये सब नहीं करना पड़ता। तो कॉन्फिडेंस तो आया था कि हाँ ये बैटर्न ज्यादा सुटेबल है, इसमें एक दिन की मेहनत से हो सकता है। तो अभी जब मैं खुद भी क्लास ले रहा होता हूँ तो बहुत सारे बच्चे लोगों का एक डाउट आता है कि किसी का मैथ्स जो है बहुत कमजोर है, किसी का जीके बहुत कमजोर है। आपको इस जो सफर थी आपकी, मैं इंग्लिश वाले सफर की बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी, आपको खुद को मोटिवेट भी करना रहा होगा, तो उस सफर में किस सब्जेक्ट ने आपका साथ दिया है और किस सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा डराया है आपको? सबसे ज्यादा डराया तो वैसे मैथ नहीं था, लेकिन एक और बात बताऊं, मैथ में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स भी आए थे 23 सीजन में, और डराया भी सबसे ज्यादा मैथ ने था। 81 मार्क्स आए थे मेरे, जो कि डिसेंट स्कोर था 23 सीजन में, क्योंकि उसका मैथ काफी अनएक्सपेक्टेड था। तो इस वजह से मैथ में बस एक ही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो, और अपनी स्पीड बनाने के लिए आपको सेक्शनल मार्क्स देने बहुत जरूरी है मैथ के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शनल मार्क दीजिए आप, आपकी स्पीड बनेगी, आप फैमिलियर भी हो जाएंगे उससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्या है, आप काफी बार बुक से क्वेश्चन तो कर लेते हो, लेकिन उनको इन टाइम करना है, आपको टाइम बाउंड मैनर में अगर करना है तो वो आपको सेक्शनल मार्क्स देने से या प्रीवियस ईयर सेक्शनल देने से तभी होगा। वो मैथ का डर मेरा इसी वजह से थोड़ा कम हुआ था, सेक्शनल मैंने बहुत सारे दिए थे। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हमें डर लगता है हम उसकी ज्यादा तैयारी करते हैं। हाँ, निकाल तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल भी करना चाहिए। जैसे क्योंकि वेटेज अभी मैथ का उतना नहीं है जितना पहले रहता था, तो इतना जितना टाइम हम पहले मैथ को देते थे पुराने पैटर्न में, उतना इस टाइम देना तो वर्थ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको डर लगता है तो आप उस डर को भगाने के लिए कर सकते हैं थोड़ा। मैं बच्चों से जब बात करता हूँ तो वो मैथ रीजनिंग को तो इजी बताते हैं, पर जीके से वो डरते हैं। तो जीके की तैयारी आपने किस तरीके से की थी वो एक बार बताइए। तो जीके की तैयारी पहले मेरे को थोड़ी बहुत तो थी, जैसे पॉलिटी अच्छी खासी आती है यूपीएसआई में, तो एसआई के टाइम से मैंने पॉलिटी बहुत स्ट्रांग थी मेरी, और हिस्ट्री वगैरह भी मैंने यूट्यूब वगैरह से की थी, काफी अलग अलग चैनल से, जो टॉपिक मेरे को बेस्ट कहीं से लगता था, ऐसा कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं था किसी का। और बाकी पीवीएसएफ क्वेश्चंस किए थे मैंने बुक से, पीवीसीएफ बुक जो आती है उससे पीवीएसएफ क्वेश्चंस किए थे एसएससी के, और परमार एसएससी क्लास की थी मैंने टू यूनिवर्सिटी। ओके, तो जब आपने तैयारी शुरू की और जब आपका सिलेक्शन हुआ, ये जब हम तैयारी शुरू कर रहे होते हैं तो बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो हम पे भरोसा कर रहे थे, सिर्फ फैमिली को छोड़ के, फैमिली बहुत अच्छे तरीके से भरोसा कर रही थी, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपका सिलेक्शन हुआ और आपको कैसे पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ? क्या आपने खुद देखा जाके या किसी दोस्त ने बताया है, किसी से पता चला? एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तो मैं तेलंगाना में था, पोस्टल असिस्टेंट था मैं वारंगल में, तो वहां जब रिजल्ट आया तो टेलीग्राम चैनल पर मैं एक्टिव रहता था, वहां सबसे पहले मुझे पता चला। फिर मैंने उसमें पीडीएफ में अपना नाम देखा, उसके बाद मैंने फैमिली को कॉल किया था, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी सबको ज्वाइनिंग होने तक अभी हम रुकते हैं, बाद में अच्छी तरह से सबको बताएंगे। लेकिन फैमिली इतनी एक्साइटेड थी मेरे, स्पेशली मेरे फादर, कि उन्होंने उनसे नहीं रुका गया, उन्होंने सबको बता दिया, सबको कॉल किए, स्टेटस वगैरह लगा दिए, वैसे मतलब सब काफी खुश थे। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे जो रिश्तेदार जो कभी नहीं बात करते हैं, बट जब जिस बार आपका सिलेक्शन हो जाता है वो रिश्तेदार आपके सबसे करीबी हो जाते हैं, और शर्मा जी का लड़का जो है वो पीछे हो जाता है और आप आगे हो जाते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, काफी लोग थे जिनके कभी मतलब सालों सालों से कॉल नहीं आए थे, उनके कॉल भी आए उस टाइम पर, लेकिन ठीक है, ये सब चलता रहता है। तो मैं सारे एस्पिरेंट को बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको लाइफ में बढ़ना है तो उसका एक मूल मंत्र है, मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। आप जैसे देख पा रहे हैं सचिन जी ने अपनी लाइफ में किस तरीके से बदलाव किया है, उसी तरीके से आप भी बदलाव कर सकते हैं, बस आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा और हिम्मत रख के आगे बढ़ते रहना होगा। सचिन जी, ये तो हमने सफर की बात कर ली कि आप, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है डराया भी जाता है कि एसएससी सीजीएल की आप तैयारी करने जा रहे हो, AAO, ASO की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनर की पोस्ट होती है उसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, तो कहते 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे तक पढ़ना पड़ता है, क्या आपने भी इसी तरीके से तैयारी की थी या आपका कोई अलग तरीका था, वो एक बार प्लीज बताइए, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। घंटे देख के तो पढ़ाई नहीं की मैंने, लेकिन हाँ 12-16 घंटे तो काफी ज्यादा हो जाता है इतनी पढ़ाई तो कंसिस्टेंटली, मतलब अगर आपको एफर्ट्स लगाने हैं तो 12-16 घंटे बहुत ज्यादा है। अगर आपको टू ऑनेस्टली अगर एफर्ट्स लाओ तो 8 आवर्स भी काफी है, 6 से 8 घंटे भी काफी है सीजीएल के लिए, और आप आवर बेसिस पर स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी करनी चाहिए, वो मेरा मानना है। कि जैसे कि मुझे आज मैथ के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं,
ब्लैक बुक है या फिर ब्लैक बुक के चार पेजेस बुक ऐप करनी है, रीजनिंग के दो मॉक लगाने हैं टेस्ट बुक से या फिर कहीं से भी, तो ऐसे टारगेट बेस्ड स्टडी की थी। फिर चाहे उसमें 8 घंटे लगे आपके लेवल से, 10 घंटे लगे, 12 लगे, वो मैटर नहीं करता। तो आपका रूटीन क्या रहता था? आप सुबह उठ के आप पहले सब सेक्शनल तैयारी करते थे, फिर उसके बाद मॉक देते थे, या फिर आपका ऐसा कोई रूटीन था कि दिन में 2 मॉक देना ही है मुझे? आपका रूटीन क्या था वो बताएं। मेरा रूटीन था, सबसे पहले सुबह उठ के, मैं जल्दी तो नहीं उठ पाता था, वैसे लेट सोता था, तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं वोकैब रिवाइज करता था, जो पिछले दिन वोकैब किए और आगे की न्यू वोकैब्स रिवाइज करता था। मैथ के फॉर्मूले, ज्योमेट्री के या ट्रिग्नोमेट्री के जो भी होते थे, जो मुझे लगते थे कि मैं भूल सकता हूँ, वो ये 2-3 चीज रिवाइज करने में 2 घंटे लग जाते थे। और उसके बाद जो फॉर्मूले हो गए, क्यूब्स वगैरह, स्क्वायर वगैरह, ये मैथ की थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती है जो कि कंटिन्यूस आनी चाहिए, और मैथ के कुछ कैलकुलेशन क्विजेस वगैरह, सुबह सुबह 2 घंटे में ये सब करना होता था मुझे। फिर उसके बाद एक मॉक लगाता था मैं, अगर मेंस का टाइम होता था तो एक फुल मेंस का मॉक लगाता था मेंस वाले टाइम पर, 9 बजे से अपना पूरा 11 बजे तक 2 घंटे का, 2.25 घंटे का मॉक लगाता था। उसके बाद स्टार्ट करता था मैं मैथ लेके, और मॉक का एनालिसिस मैं रात में करता था, जो भी मॉक लगाया उसका एनालिसिस रात में करता था। और फिर दोपहर में मैथ वगैरह होती थी, क्योंकि दोपहर में नींद आती थी, तो फिर खाना वगैरह खा के तो मैं मैथ लेके बैठ जाता था, ताकि अगर नींद भी आए तो गाने सुनते हुए मैथ कर सको, तुम में इतना जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद इंग्लिश या फिर जीएस जैसे भी लगे, इंग्लिश को मैं ज्यादातर प्रेफर करता था कि मॉक में जो मैंने मॉक लगाया है उसमें जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, तो मैं सोचता था जैसे जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है वो किस चैप्टर का गलत है, वो पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए बुक से, जो वॉल्यूम 1 मैम की जो बुक आती है नीतू मैम की, उससे एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगर सेम क्वेश्चन अगर गलती हो रही है मुझसे बार बार, क्यों गलती हो रही है, सेम क्वेश्चन की अगर सेम टॉपिक से गलती हो रही है, वो पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज करना, उसके फिर सारे क्वेश्चन एक साथ लगा लेना, बस इतना ही करता था मैं इंग्लिश में। ग्रामर वगैरह रूल्स के लिए तो इंग्लिश अपने आप सही होती थी, जहां भी गलती होती थी मैं पूरा चैप्टर पढ़ लेता था फिर उसका, वो सब रूल चेक था। तो आपके सिलेक्शन में किस तरीके से टेक्स्ट बुक ने आपका साथ दिया है, आपने किस तरीके से टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किया है वो एक बार बताएं। टेक्स्ट बुक का सर, जैसे मैंने बताया कि सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ और रीजनिंग मोस्टली सेक्शनल का काम है, और टाइमिंग आपकी बहुत जरूरी है मैथ में, रीजनिंग के लिए भी तो रीजनिंग हो जाती है वैसे, लेकिन रीजनिंग में जो वैरायटी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराता है हमें, किस किस वैरायटीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैथ के तो मैंने प्रीवियस ईयर वो, उसके लिए प्रो पास प्रो लेना पड़ता है, वो लिया था मैंने, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट लगाए थे मैंने, सारे तो नहीं और वो जितने मैं लगा सकता था उतने मैंने लगाए थे। हाँ, लेकिन जो मॉक देते थे आप लोग, फुल मॉक देते थे, वो सारे लगाए थे, मतलब जैसे एक मॉक अनलॉक होता था उसके 2 दिन या 1 दिन के अंदर मुझे वो मॉक देना होता था, उसमें मतलब टोटल 1000 एस्पिरेंट्स मॉक दे पाते होंगे तब तक मैं भी दे लेता था, टॉप अंडर 1000 के अंदर मैं लेना ही चाहता था हमेशा, कि इतनी जल्दी मैं मॉक दे लूँ, फिर उसमें अपनी रैंक वगैरह देखना ये सब। और आप लोग मतलब प्रीवियस 3 मॉक के बेसिस पर जो रैंक बनाते थे वो भी काफी हेल्पफुल रहती थी, उसमें परसेंटाइल कितनी आ रही है, वो सब एक्साइटमेंट रहता था देखने का कि मैं कितना क्या रैंक आ रही है मेरी, इस टाइम में क्या हूँ। मॉक को एक तरह से मैं, जो मॉक होते थे उसे इस तरह से मैं ऐसे गेम की तरह लेता था, उसमें मेरी कितनी परसेंटाइल आएगी, तो इस तरीके से काफी एंजॉय करता था मैं वो सब। खुशी भी होती है कि हम देख पाते हैं कि हमारी रैंक कहाँ पे लग रही है, हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। हाँ, वही वो एक्साइटमेंट रहती है, मेरी रैंक कहाँ आ रही है इस वक्त, 5000, 1000 या 500 के अंदर आ रही है। तो सचिन जी, जैसे अभी आपने कई बार सेक्शनल टेस्ट का जिक्र किया, तो सेक्शनल टेस्ट आप लगाते भी थे, बट जब मैं एस्पिरेंट से बात करता हूँ ना, तो बहुत से लोग डरे होते हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, मैंने अभी ये टॉपिक नहीं कंप्लीट किया, या मैंने अभी ये सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट किया, तो मैं टेस्ट कैसे दूं? तो आप सेक्शनल टेस्ट किस तरीके से हेल्प करता है उन बच्चों की जिन्होंने पूरा सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं किया? अगर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आप टॉपिक वाइज मॉक मत लगाइए, ये मैं बोलता हूँ, टॉपिक वाइज मत लगाइए, आपने जो टॉपिक नहीं किया वो एटलीस्ट मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्शनल वाइज अलग है, सेक्शनल में सारे टॉपिक मिक्स आएंगे लेकिन टाइम पीरियड कम होगा उसमें, ना आधे घंटे का हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है, या जो भी है मॉक प्री का जो होता है 20 मिनट का होता है, और मेंस का आधे घंटे का होता है, तो वो सेक्शनल में सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर तुम्हारा एक कोई टॉपिक नहीं भी हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि उस टॉपिक में ये क्वेश्चन का टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉक में आ रहा है, तो आपको जब भी वो टॉपिक पढ़ोगे तो आप उस टाइप के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करोगे, तो ये मेरा मानना है। आपको टॉपिक नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेबस नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मॉक और सेक्शनल लगाने ही लगाने हैं, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। और कई बार ऐसे भी हुआ है सचिन जी कि जब हम एस्पिरेंट से बात कर रहे होते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं सर मॉक जब मैं लगाता हूँ तब तो मुझे डर नहीं लग रहा होता है, और जब मैं एग्जाम सेंटर पे जाता हूँ तो डर लगता है। तो आपने किस तरीके से एग्जाम सेंटर की सिचुएशन को और अपने घर पे
उस सिचुएशन को सिमिलर किया सो दैट कि जब आप वहां जाओ तो आपको ये फील ना हो कि आप तो इस माहौल पे कभी बैठे ही नहीं। तो सर सबसे पहले तो मैंने जो बताया कि मैं टाइमिंग सेम रखता था अपने मॉक की और एग्जाम की, क्योंकि मेंस तो हमें पता है 9 से 11 के बीच, 11:15 के बीच होना है, तो वो मैं टाइमिंग सेम रखता था अपनी। एक तो ये हेल्प करता था सुबह जागने में और माइंड साइकिल जो बन जाती है टाइमिंग की 9 से 11 वो होना चाहिए। दूसरा मेरे को भी लगता था डर, ऐसी बात नहीं है मैं अलग था, मेरे को डर लगता 2022 में, मुझे 2022 सीजीएल में इतना डर लगा था कि मैंने अपने मैथ के पहले क्वेश्चन में जो मैं अटेम्प्ट किया था उसी में 3 मिनट लगा दिए थे। तो उसके बाद जो मेरा हाल हुआ तो वो तो बहुत ही बेकार हुआ, उसके बाद वो पेपर बेकार हो गया, मेरी रैंक 18,000 समथिंग आई थी इस टाइम। और सीजीएल 23 में क्या हुआ, मेरे पास एक जॉब हो गई थी एटलीस्ट, पीए में बन गया था उस टाइम तक, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स था। और उसमें ये भी हेल्प किया था कि मेरा सेंटर जो था, मैं आगरा से हूँ तो मेरा सेंटर भी आगरा में ही पड़ा, घर से बस ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर दूर था वो। तो मैं सुबह उठा 7 बजे, मैंने मुंह धोया, चप्पल डाली, ट्राउजर वगैरह लोअर और टी शर्ट डाली और मैं चला गया। मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया कि मैं नहा कर जाऊंगा और सब कुछ तैयार होकर जाऊंगा, मैं बस ऐसे गया कि आज लास्ट मॉक देना है मुझे, एक मॉक और है उसके आज, जो एक मॉक है उसके बाद रियल एग्जाम होना है। मैंने रियल एग्जाम को रियल एग्जाम नहीं माना, मैंने सोचा आज मॉक और है, आज का मॉक दे लेते हैं फिर देखते हैं रियल एग्जाम में क्या होगा। तो मैंने वो टेस्ट भी मॉक की तरह ही दिया, तो इस वजह से मुझे उस टाइम थोड़ा सा कम डर लगा था। ये मुझे काफी हेल्प किया कि मैंने उस टाइम मॉक के बारे में सोचा नहीं, और मतलब रियल एग्जाम के बारे में सोचा नहीं कि मेरा क्या मार्क्स आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो मेरे पास एटलीस्ट पीए की जॉब तो है ही, भले ही बुरा गलत जाए या बेकार जाए मेरा मॉक, उससे मैटर नहीं करता, मैं नेक्स्ट ट्राई करूंगा। मैंने अपने आप को ज्यादा हार्ड, अपने आप पर ज्यादा हार्ड नहीं हुआ, मैंने फोर्स नहीं किया कि नहीं मुझे इसी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे 23 में, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोच रखा था कि मैं अगर इसमें नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में करेंगे, एटलीस्ट पीए तो हूँ मैं, मेरे पास पीए की जॉब तो है, लेवल देखो तो काफी टाइम सेम लेवल रहता है, अप्रोक्स सेम लेवल रहता है टेस्ट बुक का जो भी है। और फीलिंग सारी अगर आप ऐसे लगाओगे एक तरह से बिल्कुल कंसिस्टेंट रह के लगाओगे, मतलब एक मॉक को मॉक की तरह सीरियसली लगाओगे तो आपको फील देगा प्रॉपर, एक कुर्सी लेके चेयर पर बैठकर आराम से टाइमिंग वाइज बिना पॉज किए अगर मॉक दे रहे हो तो आपको पक्का फील आएगी पेपर। तो एस्पिरेंट जी, सचिन जी से हमें एक चीज बहुत अच्छी पता चली है कि जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो जिस टाइम पर आपके एग्जाम्स होते हैं तो मोस्टली आप उसी टाइम पर टेस्ट दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है वो उस टाइम पीरियड के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि अगर आप रात को पढ़ते हो, रात को मॉक लगाते हो, तो जब दिन में पेपर होता है ना तो उसकी आदत नहीं होती। तो ये चीज बहुत अच्छी एक्सेप्ट करनी चाहिए आपको, और ये सचिन जी ने अपनाई है और उनका आज सिलेक्शन भी हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से वो वर्क भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज अपनानी चाहिए। और चलिए और भी चीजें सचिन जी से जानते हैं। तो सचिन जी, आपने तो अभी तक ये बताया कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, आपका सिलेक्शन हुआ। अब जब आपके पास एक, कहते हैं कि आपके पास एक कारभार आ चुका है, आपके पास एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ चुकी है, तो किस तरीके से आप उसको फील करते हो? क्या आप अपने पुराने दिन को याद करके ये फील करते हो कि मैंने पहले मेहनत की, आज मुझे ये फल मिला है, या आपको लग रहा है कि अब ज्यादा मेहनत है, पहले नहीं थी? जी जी जी, आपने सही कहा, वैसे पहले भी मेहनत थी, जो फल मिला है 6 महीने के अंदर मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, पहले पीए उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर गाजियाबाद में, वो नॉर्थ मिलना काफी बड़ी बात होती है। और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा कि हम पहले सोचता था मैं कि जॉब मिलने के बाद मजे ही मजे हैं, वैसे मजे तो हैं, एक तरह से लाइफ चेंज हो जाती है, रेस्पेक्ट मिलती है आपको सोसाइटी में, सब कुछ होता है आपके पास, और उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद पढ़ना बंद कर दोगे सब कुछ, जैसे कि आपको जीएसटी में है तो उसके रूल्स वगैरह पढ़ने होते हैं, एक्ट्स वगैरह पढ़ने होते हैं, उसका काफी कुछ सीखना होता है, आप सीखना बंद नहीं कर सकते। आपकी चाहे जॉब लग जाती है या फिर आप कहीं भी किसी भी लेवल पर पहुंच जाते हो लाइफ में, आप सीखना बंद नहीं कर सकते। ये मैंने जाना है डिपार्टमेंट में आके कि पहले मैं सोचता था उसके बाद तो पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सीखना आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, आपको जॉब है या नहीं है वो अलग सिनेरियो है। तो सचिन जी, जैसे अभी आप जैसे मॉक लगाए, ठीक है, आपने अपने आप को एनालाइज भी किया, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आपको आंसर पता चल जाता है, बट आपको टेस्ट बुक वहां पर ऐसा क्या प्रोवाइड करता है कि आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल गया या मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिला जो शायद कहीं और पे नहीं मिलता? जहाँ टेस्ट बुक की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है क्वेश्चंस की, उसमें काफी कुछ सीखने को होता है। जैसे मैंने जीएस के नोट्स बनाए थे, जीएस में जो क्वेश्चन होता था वो तो एक पॉइंट हो गया हमारा सीखने के लिए एग्जाम, उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसके मैं नोट्स भी बनाता था साथ साथ, सेक्शन जो भी है, मतलब ऐसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री वाले पेज पर लिख लिया मैंने, कहीं पॉलिटी का क्वेश्चन है तो पॉलिटी वाले पेज पर। उसमें जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 271
आर्टिकल 271 किससे रिलेटेड है, उसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, 271 ए बी सी डी। तो ज्यादातर क्वेश्चन आता है किसी एक सेक्शन के बारे में, किसी एक आर्टिकल के बारे में, 271 ए किसके लिए, नागालैंड के लिए, नागालैंड से, मिजोरम से, तो बाकी के नीचे के बी सी डी किसके हैं, वो फिर मैं नोट्स बना के लिख लेता था। फिर वो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं बी का क्वेश्चन आएगा तभी मैं बी वाला पढ़ूंगा, तो वो चीज गलत है। टेस्ट बुक हमें उसमें फायदा करता है एक्सप्लेनेशन में। और एक चीज मैंने ये भी सुनी है, जैसे कि जब आप नोट्स बनाते हैं, तो जब हम नोट्स पहली बार बना रहे होते हैं तो वो नोट्स नोट्स ना रह के वो एक्चुअली पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो कई बार हम उसको नोट्स बनाते हैं, तो आपको कितना टाइम लग गया नोट्स बनाने में? क्योंकि जब भी हम भी प्रिपरेशन किया करते थे तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ करता था, शुरुआत के नोट्स बड़े मोटे हो जाते थे, फिर उसके बाद थोड़े से कम, फिर कम, फिर आपको कितना टाइम लग गया इसमें करने में? मुझे भी काफी टाइम लगा, मतलब एक साल तो एटलीस्ट लग ही गया मुझे नोट्स वगैरह बनाने में। मेरे भी नोट्स ऐसे ही रहते थे, ऐसा लगता था इससे अच्छा तो मैं अपनी बुक ही पढ़ लूं, जो नोट्स पढ़ रहा हूं उससे अच्छा। लेकिन जो मैथ का जो फॉर्मुलेज लिखे थे मैंने, वो लास्ट टाइम पे मेरे को बहुत काम आए, मैथ के फॉर्मुले वगैरह और क्यूब्स वगैरह स्क्वायर जो मैं डेली रिवीजन करता था, जिनका लास्ट टाइम भी बस मैंने एक डेली रिवीजन की तरह ही रिवाइज किए थे 2-3 दिन पहले, वो काफी हेल्पफुल रहे। मैथ का फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्स्ट बुक को अगर आपको एक वर्ड में डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बेस्ट, मतलब इसके बिना सीजीएल शायद हो सकता हो, लेकिन मुझे इम्पॉसिबल लगता है मेरे लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें सचिन जी से सीखने को मिली है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी जो इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्यूचर में हम और भी चीजें बातें करेंगे। और सर, यहाँ पे मैं सचिन सर से बात करना चाहूंगा, जो अभी दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में काम भी कर रहे हैं, तो आप जाते जाते उन एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो कई लोग हार मान जाते हैं, या फिर मोटिवेशन कुछ देना चाहें? हाँ, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एसएससी का एग्जाम कोई भी निकाल सकता है, बस एक कंडीशन पर कि वो कंसिस्टेंट है। अगर आप डेली के 6 आवर भी दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, मतलब अगर डेली दे रहे हैं तो डेली ही देने, 2 दिन छोड़ दिए या 1 दिन छोड़ दिए, बीच में 4 दिन छोड़ दिए, ऐसे नहीं चलेगा। शायद कोई कोई कर लेता हो, लेकिन मोस्टली के लिए ये सब काम नहीं करेगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो मैं श्योर करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। कंसिस्टेंसी इज द की, बस एक सेंटेंस है, आप कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि कंसिस्टेंट, कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क, अगर आप ये करते हो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सचिन जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आपके इस जो स्ट्रेटेजी थी, आपने जिस तरीके से मोटिवेट किया है, वो बहुत हेल्प करेगी उनके सिलेक्शन में, और डेफिनेटली उनमें से भी कोई एक एस्पिरेंट हमारे साथ इन फ्यूचर जुड़ रहा होगा। और मैं हम आपके साथ फ्यूचर में फिर से जुड़ना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और धन्यवाद आपके साथ जुड़ के। थैंक यू सर, मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सुपर कोचिंग एसएससी के साथ।